शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए इनके परवरदिगार के यहां बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी, वो लोग हक बात में उसके जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ हांके जाते हैं और उसे देख रहे। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो मुशरिक नाखुश ही हों। जब तुम लोग अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम हजार फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को अल्लाह ने महज बिशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करे, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर ओढ़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उससे तुम्हारे पांव जमाए रखे। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें, मैं अभी काफिरों के दिलों में रोब हैबत डाले देता हूं, सो उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनकी पोर पोर तोड़ दो। ये सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मजा तो यहां चखो और ये समझ लो कि काफिरों के लिए आखिरत में दोजख का अजाब भी तैयार है। ऐ अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ न फेरना, और जो शख्स जंग के रोज इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गया, और उसका ठिकाना दोजख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। बस तुम लोगों ने उन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और ए नबी, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थी तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी, इससे गरज ये थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक अल्लाह सुनता है जानता है। हुआ भी यूं ही, और कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमजोर कर देने वाला है। काफिरों, अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ चुका, अगर तुम अपने अफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात खाह कितनी ही बड़ी हो तुम्हारे कुछ भी काम ना आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी न करो जबकि तुम सुनते भी हो, और उन लोगों जैसे न होना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नजदीक तमाम जानदारों में बदतरीन वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते, और अगर अल्लाह उनमें खैर की तलब देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर यूं ही उन्हें सुनवा देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। मोमिनों, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो जबकि रसूल तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जावेदा बख्शता है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और यह भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे।
और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाकई न होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उस वक्त को याद करो जब तुम जमीन मक्का में कलील और जईफ समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा न ले जाएं, यानी खत्म न कर दें, तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तकवियत बख्शी और पाकीजा चीजें खाने को दी ताकि उसका शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, न तो अल्लाह और रसूल से खयानत करो और न अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक और बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार दें या वतन से निकाल दें, तो उधर तो वो चाल चल रहे थे और इधर अल्लाह तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं। और जब उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ देने वाला अजाब भेज दे। और अल्लाह ऐसा न था कि जब तक है पैगंबर तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता, और न ऐसा है कि वो तो बख्शिश मांगे और अल्लाह उन्हें अजाब दे। और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अजाब न दे, जबकि वो मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं, जबकि वो उस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं है। इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार हैं, लेकिन इनमें के अक्सर नहीं जानते। और इन लोगों की नमाज खाना काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ न थी, तो तुम जो कुफ्र करते थे अब उसके बदले अजाब का मजा चखो। जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मूजिब अफसोस होगा, और वो मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोग दोजख की तरफ हांके जाएंगे, ताकि अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोजख में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं। ऐ पैगंबर, कुफार से कह दो कि अगर वो अपने अफाल से बाज आ जाएं तो जो हो चुका वो उन्हें मुआफ कर दिया जाएगा, और अगर फिर वही हरकत करने लगेंगे तो अगले लोगों का जो तरीका जारी हो चुका है वही उनके हक में भी बरता जाएगा। और इन लोगों से लड़ते रहो यहां तक कि फितना यानी कुफ्र का फसाद बाकी न रहे और दीन सब अल्लाह ही का हो जाए, और अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कामों को देख रहा है, और अगर रूगर्दानी करें तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा हिमायती है और वो खूब हिमायती और खूब मददगार है। और जान रखो कि जो माल गनीमत तुम कुफार से हासिल करो उसमें से पांचवा हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और अहले कराबत और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है, अगर तुम अल्लाह पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक व बातिल में फर्क करने के दिन यानी जंगे बद्र में, जिस दिन दोनों फौजों में मुठभेड़ हो गई थी, हमने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर दूर के नाके पर, और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था, और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुय्यन पर जमा होने में तकदीम व ताखीर हो जाती, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले, ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे, और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे। और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है जानता है। उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को थोड़ी तादाद में दिखाया था, और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया, बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है। और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले। और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो
और अल्लाह को बहुत बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल कर लो, और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, और आपस में झगड़ा न करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुजदिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और सब्र से काम लो कि अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार है। और उन लोगों जैसे न होना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो आमाल ये करते हैं अल्लाह उनका इहाता किए हुए है। और जब शैतान ने उनके आमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और कहा कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब ना होगा और मैं तुम्हारा रफीक हूं, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल सफारा हुई तो पस्पा होकर चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते, मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में बीमारी थी कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। और काश तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जाने निकालते हैं कि उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते हैं और कहते हैं अब आग के अजाब का मजा चखो, ये उन आमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजी हैं। और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता, जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सजा में उनको पकड़ लिया, बेशक अल्लाह जबरदस्त है सख्त अजाब देने वाला है। ये इसलिए कि जो नेमत अल्लाह किसी कौम को दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डाले अल्लाह उसे नहीं बदला करता, और इसलिए कि अल्लाह सुनता जानता है, जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ, उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुठलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डुबो दिया, और वो सब जालिम थे। जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं सो वो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया है फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं और अल्लाह से नहीं डरते, अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग उनके पसे पुश्त हों वो उनको देख कर भाग जाएं, अजब नहीं कि उनको उससे इबरत हो। और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका अहद उन्हीं की तरफ फेंक दो कि इस तरह तुम सब बराबर हो जाओ, कुछ शक नहीं कि अल्लाह दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। और काफिर ये ख्याल हरगिज न करें कि वो आगे निकल गए हैं, वो हमें आजिज नहीं कर सकते, और जहां तक हो सके फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है हैबत बैठी रहेगी, और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा जरा नुकसान न किया जाएगा। और अगर ये लोग सुलह की तरफ मायल हों तो तुम भी उसकी तरफ मायल हो जाओ, और अल्लाह पर भरोसा रखो कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता है जानता है, और अगर ये चाहें कि तुमको फरेब दें तो अल्लाह तुम्हें किफायत करेगा, वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तकवियत बख्शी और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी, और अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा न कर सकते, मगर अल्लाह ही ने उनमें उल्फत डाल दी, बेशक वो जबरदस्त है हिकमत वाला है। ऐ नबी अल्लाह तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफी है, ऐ नबी मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो, अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमजोरी है, बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। पैगंबर को शाया नहीं कि उसके कब्जे में कैदी रहें जब तक काफिरों को कत्ल करके जमीन में कसरत से खून न बहा दे, तुम लोग दुनिया के माल के तालिब हो और अल्लाह आखिरत की भलाई चाहता है,
और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अगर अल्लाह का हुक्म पहले न हो चुका होता तो जो फिदिया तुमने लिया है उसके बदले तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। अब जो मारे गनीमत तुम्हें मिला है उसे खाओ कि वो तुम्हारे लिए हलाल तैयब है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे कब्जे में यानी गिरफ्तार हैं उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है उससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहेंगे तो ये पहले ही अल्लाह से दगा कर चुके हैं, तो उसने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया, और अल्लाह दाना है, हिकमत वाला है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़े वो, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की वो, आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करें तुमको उनकी रिफाकत से कुछ सरोकार नहीं। और अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और जो लोग काफिर हैं वो भी एक दूसरे के रफीक हैं, तो मोमिनों अगर तुम ये काम न करोगे तो मुल्क में फितना बरपा हो जाएगा और बड़ा फसाद मचेगा। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं, इनके लिए अल्लाह के यहां बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम्ही में से हैं। और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं, कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।